नमस्कार, जय जोहार साथियों, मैं हिम्मत और हिम्मत के ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज रायपुर से केदारनाथ वाली यात्रा में हमें तीसरा दिवस है दोस्तों। हम लास्ट नाइट ऋषिकेश में हल्टिंग किए। ऋषिकेश करीब करीब रायपुर से 1400 किलोमीटर की दूरी में स्थित है और ऋषिकेश से जो केदारनाथ है करीब करीब 250 किलोमीटर की दूरी में स्थित है दोस्तों। और बीच में ही देवप्रयाग पड़ता है दोस्तों। तो चलिए देवप्रयाग का भी आपको व्यू कराते हैं। उसे यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी में केदारनाथ स्थित हैं और ये है देवप्रयाग। देवप्रयाग जहाँ माता गंगा प्रवाहित होती है, मतलब यहाँ देखिए सामने में जो धुंधला वाला जो नदी दिख रहा है वो भागीरथी है और उससे पहले में जो नीली नदी दिख रही है वो है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी का यहाँ संगम होता है, मतलब दोनों नदियों का संगम आप देख सकते हैं वहीं से, मतलब दोनों नदी का संगम ही माँ गंगा बनती है। तो बोलिए माँ गंगे की जय, हर हर गंगे नमामि गंगे। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, ये काफी बिजी रूट है। ऐसे पथरा बांध के ढके हुई नजारा काफी सुंदर मजेदार और आपको रोमांचित कर देगी। गजब। कीर्ति नगर गढ़वाल नगर पंचायत। और नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ का घर भी काफी शानदार बना है और नीचे नदी बह रही है और काफी सुंदर नजारा है यहाँ पास से। वैसे एक ही जगह का नजारा सुंदर नहीं है, यहाँ जितना भी देखेंगे सब साइड का नजारा बेहद ही सुंदर शानदार। अभी हम जो है फाइनली श्रीनगर गढ़वाल पहुँच गए मित्रों। यहाँ से करीब करीब 120 किलोमीटर का रास्ता और बचा है केदारनाथ के लिए और अभी ज़्यादा दूरी नहीं बचा है। जिस हिसाब से हम आ रहे हैं 2-3 घंटे में पहुँच जाएंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये है श्रीनगर का एरिया। यहाँ से बेहद ही सुंदर और सुगम रास्ता वाला बाईपास बना है दोस्तों। ये है केदारनाथ बाईपास और यहाँ से सीधा हम लोग जाएंगे केदारनाथ। और ये ऊपर वाला जो रोड है वो रुद्रप्रयाग वाला रोड है। तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे हम केदारनाथ के लिए, थोड़ा यहाँ रेस्ट करने के बाद केदारनाथ की ओर आगे बढ़ेंगे। वो सामने जो गया है पुल पार करके जाएंगे केदारनाथ के लिए। अभी तो भाई अच्छा जंगल खाली आदमी आ बसना, मतलब मायने लगता ना। हाँ बसना नहीं, ये लोकल कैसे लोकल बैठासी कहाँ है सुमन हर। अरे वो जंगल अलग हो जाता ना। ये जो रास्ता है काफी रोमांच पैदा कर देगी आपके दिलों में दोस्तों। और यहाँ का जो रूट भी है काफी शानदार जबरदस्त। जिंदाबाद। किलोमीटर का जो रास्ता है उसमें 200 किलोमीटर काफ़ी अच्छा है, उसके बाद 40 से 50 किलोमीटर का जो रूट है वो थोड़ा ख़राब है और थोड़ा बिजी रूट होने के कारण और ज़्यादा ख़राब लग रहा है। तो चलिए चलते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो रोड है काफ़ी तकरा रोड है दोस्तों, क्योंकि हम अभी जस्ट 38 से 40 किलोमीटर की दूरी पे सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे और यहाँ का आप रोड देखिए काफ़ी सकरा है और थोड़ा खराब रोड भी है। ऊपर पहाड़ देखिए और नीचे खाई। गांव वाला एरिया देखिए काफ़ी सुंदर और मस्त है दोस्तों। और यहाँ से सोनप्रयाग करीब करीब 15 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। यहाँ से जो है अब RTO चेकिंग के बाद जस्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ से करीब करीब 15 किलोमीटर की दूरी में
सोनप्रयाग स्थित है दोस्तों। और यहाँ देखिए दोनों तरफ कितना गाड़ी लगा हुआ है। 12:30 हुआ है, हम सुबह 4:30 निकले थे वहाँ ऋषिकेश से, 12:30 को यहाँ पहुँच गए फाइनली। अब यहाँ पार्किंग करेंगे अपनी गाड़ी, रूम लेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई कराने के बाद कल सुबह से ही अपन चढ़ाई प्रारंभ करेंगे। और आगे देखेंगे ये पूरा पार्किंग का ही एरिया है। पार्किंग के एरिया के बाद जैसे आप देखेंगे सामने ग्रीन वाला जो शेड दिख रहा है, वहीं पास जाके रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन करवाएंगे। गाड़ी को पार्क करके और दोपहर का खाना खा के अपन निकल चुके हैं अभी गौरीकुंड के लिए। और यहाँ पास का आप एरिया देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा डोरमेट्री में यहाँ जैसे आप डोरमेट्री लेते हैं तो 400-500 में मिल जाता है, और रूम करीब करीब 4 बेड का है 4,000 रुपये। तो इससे यहाँ नहीं रुकते, आगे बढ़ते हैं गौरीकुंड के लिए। यहाँ थोड़ी दूर चलने के बाद गौरीकुंड के लिए एक टैक्सी मिलेगा। अब यहाँ आने के बाद यहाँ कीप योर रजिस्ट्रेशन लेटर फॉर वेरिफिकेशन, ये रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन यहाँ होता है। आप आएँ तो रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन यहाँ करा लें। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं तो अपना आधार कार्ड लेके आगे बढ़ जाइए, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं अभी अपन गौरीकुंड के लिए। और यह बहुत सारा दुकान यहीं लगा हुआ है मित्रों। अभी दोपहर के बजे हैं 3:00 ही अपन निकल पड़े, जाके गौरीकुंड में स्टे करेंगे। गौरीकुंड के लिए यहीं से मिलेगा टैक्सी, टैक्सी में करीब करीब 50 रुपये पर हेड लेता है, वो आपको गौरीकुंड ले जाके छोड़ेगा। और केदारनाथ धाम में आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है मित्रों। ये नीचे का व्यू देखिए कितना आवाज़ आ रहा है, और ये नदी भी देखिए काफ़ी सुंदर है मित्रों। गौरीकुंड के लिए यहाँ से मात्र 50 रुपये का टिकट लगता है। तो चलिए बैठते हैं इसमें और चलते हैं गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड में आज स्टे करना है, उसके बाद कल सुबह केदारनाथ जी के लिए चढ़ाई करेंगे। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। सोनप्रयाग से निकल गए हैं गौरीकुंड के लिए, और गौरीकुंड मात्र यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों। और देखिए यहाँ का नज़ारा बेहद ही सुंदर और बेहद ही खास। बाबा भोले की नगरी में आपका स्वागत है मित्रों। यहाँ से मात्र 16 किलोमीटर का रास्ता बता रहे हैं मित्रों। और यहाँ पास का देखिए जो बोलेरो है यही पास लाके छोड़ता है, यहाँ पास से उनका परमिशन नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपको भी ले चलते हैं केदारनाथ, पहले तो ले चलेंगे गौरीकुंड। गौरीकुंड के पास पहुंच गए, और यहाँ हम लेंगे डोरमेट्री या फिर रूम, देखते हैं यहाँ रेट कितना है, उसके बाद आपको अपडेट करते हैं मित्रों। ये भी गौरीकुंड में ऊपर में ही हम एक रूम लिए हैं दोस्तों, और यहाँ सब का भीड़ देखिए, काफ़ी मस्त जगह हमें रूम मिला है। ये गौरीकुंड के जस्ट ऊपर में ही है, और ये वाला हमें रूम मिला यहीं गौरीकुंड में ही। देखिए 4 बेड लगा हुआ है, ये हमें मिला 3,800 में, काफ़ी सुंदर रूम है। और यहाँ एक भी पंखा नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा ही ठंडी है। चलिए अभी आज दिन भर का सफ़र करने के बाद नहाए नहीं है, गौरीकुंड में जाके नहाते हैं, उसके बाद यहाँ स्टे करते हैं। वो आया ना तू लड़की, आप 19 तारीख में चढ़ाइए। यही आप देखिए गौरीकुंड के नीचे में एक नदी बह रही है दोस्तों, काफ़ी साफ पानी है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है यहाँ का पानी, और यहाँ का माहौल भी एकदम ठंडा हो गया दोस्तों, अभी ठंडा लगने लग गया है। और ये आप देखिए कितना सुंदर स्वच्छ और साफ़ है यहाँ का वातावरण, वाकई में बोलते हैं ना यहाँ
स्वर्ग से हवा आती है। वाकई में यहाँ स्वर्ग से हवा आ रही है मित्रों। और ये जस्ट नीचे में है गौरी कुंड, ये देखिए यही गौरी कुंड है और माता पार्वती ने यहाँ तप किया था। और यह एक कुंड है, माता पार्वती का नाम गौरा भी है, इसीलिए इस कुंड का नाम गौरी कुंड पड़ा। तो बोलिए माता पार्वती की जय, जय भोले। तो चलिए यहाँ हम स्नान करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि वाकई में पानी गर्म है कि नहीं। गौरी कुंड का जो पानी है वाकई में बहुत ही ज़्यादा गर्म है मित्रों, क्योंकि वहाँ नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और ये गौरी कुंड का पानी करीब करीब 45 डिग्री तक गर्म होगा, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे दोस्तों। तब तक के लिए एंजॉय योर डे। जय महाकाल, जय केदारेश्वर महादेव मित्रों।